हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ऐसा बैंकिंग शेयर, बैंकिंग सेक्टर का शेयर जिसमें एक नहीं दो नहीं तीन वर्ल्ड फेमस टॉप के वर्ल्ड के जो ब्रोकिंग हाउस है और इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स है उन्होंने बाय कॉल दिया है और बड़े टारगेट दिए हैं। जी हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ बैंक की जिसका नाम है इंडस इंड बैंक, IND Bank, इंडस इंड बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर की एक शानदार बैंक है जिसमें जेफरीज ने भी बाय कॉल दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने भी बाय कॉल दिया है और सिटी ग्रुप ने भी बाय कॉल दिया है। इंडसइंड बैंक का आज का रेट था 1568 रुपीस एंड 52 वीक हाई था 1694 रुपीस। पी 14 का है और ईपीएस है 110 का, दोनों भी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग 16% है बट FII होल्डिंग 43% है और DII होल्डिंग 26% है, दोनों भी धमाकेदार है। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं, 1960 करोड़ का प्रॉफिट, वो बढ़कर हुआ था सितंबर में 2180 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर क्वार्टर में 2300 करोड़ का प्रॉफिट। क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है और इसी के दम पर जेफरीज ने इसका टारगेट दिया है आने वाले अप्रैल मई में 2070 रुपीज़ का, 2070 रुपये का टारगेट इंडसइंड बैंक पे जेफरीज ने दिया है। सिटी ग्रुप ने टारगेट दिया है 2010 रुपीज़ का, 2010 रुपये का टारगेट सिटी ग्रुप ने दिया है इंडसइंड बैंक के ऊपर और मॉर्गन स्टैनली ने दिया है 1925 रुपीज़, 1925 रुपये का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने भी दिया है और बाय कॉल दिया है। तो तीनों दिग्गज कंपनियों ने, तीनों दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने बाय कॉल दिया है इंडसइंड बैंक पर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 25% से 30% का हमें अपसाइड आने वाले दिनों में इंडसइंड बैंक का शेयर दिखा सकता है। तो आप इस शेयर को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।